दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने की मांग करने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही विपक्षी पार्टियां सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी साफ कह चुकी है कि केजरीवाल सीएम पद पर बने रहेंगे। केजरीवाल को जांच एजेंसी ने 21 मार्च को उत्पाद शुल्क नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। बता दें कि हाईकोर्ट ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर कहा है कि पब्लिसिटी के लिए ये किया जा रहा है, हम याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाएंगे। आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक संदीप कुमार ने दिल्ली आबकारी नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए कोर्ट में याचिका दी थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार को तीसरी याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई। इससे पहले अन्य लोगों की ओर से दायर इसी तरह की दो याचिकाएं पहले ही हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई। बता दें कि इससे पहले 4 अप्रैल को चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मुख्यमंत्री बने रहना अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत पसंद है। पीठ ने इस तरह के एक जनहित याचिका को ये कहते हुए खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ऐसी कोई कानूनी बाधा दिखाने में विफल रहा है जो गिरफ्तार मुख्यमंत्री को पद संभालने से रोकती है। ये देखा गया है कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी और इस मुद्दे को देखना राज्य के अन्य अंगों का काम था।